इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाले एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक 3 दिन से वह ससुराल में था। शनिवार शाम को ही अपने घर आया था। घर आकर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह पिता उठे तो उसे कमरे में फंदे पर लटके हुए देखा। पुलिस के मुताबिक कमरे को सील कर दिया है। सुसाइड नोट और मोबाइल को लेकर जाँच की जा रही है। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम राजेंद्र अहिरवार निवासी कुंदन नगर है। राजेंद्र ने अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार सुबह पिता प्रेमचंद अहिरवार ने फंदे पर सर लटके हुए देखा, जिसके बाद छोटे विकास को सूचना दी। दोनों राजेंद्र को एम्बॉय ले गए। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भाई विकास ने बताया कि वह नोवेल्टी मार्केट में नौकरी करता है। वहीं बड़े भाई राजेंद्र घर से ही रेडीमेड का काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी खुशबू, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 3 दिन पहले उज्जैन के दुर्गानगर में उनके ससुर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह अपने परिवार के साथ वहां गए हुए थे। शनिवार शाम वह भाभी और बच्चों को वहीं छोड़कर घर आ गए थे। रात में मां ने ऊपर ही खाना बना दिया था, जिसमें राजेंद्र खाना खाकर सो गया। इसके बाद विकास रात करीब 11 बजे घर पहुंचा तो भाई की जानकारी लेकर वह भी सोने चले गए। सुबह उसे पिता ने घटना के बारे में बताया। भाई विकास के मुताबिक राजेंद्र भैया ने 1.5 साल पहले ही नया घर लिया था, जिसमें बैंक का लोन भी था। इधर परिवार ने कर्ज या किसी अन्य बात को लेकर इनकार किया है। उनके मुताबिक अभी कमरे में किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। राजेंद्र की मौत की सूचना के बाद पत्नी और बच्चे भी इंदौर पहुंच गए हैं।